तबार की पट्टी बांधी हुई है और तुम मुसलसल बेवकूफियां करके बाबा के दिल में बदगुमानी और शक पैदा कर रही हो। अब आप हॉस्टल नहीं जाएंगी? नहीं, क्योंकि जिसके लिए घर छोड़ा था अब उसे ही छोड़ दिया मैंने। दोस्तों, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सारा ने जिसके लिए घर छोड़ा था इसे ही छोड़ देगी, क्योंकि रूमी अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसके इनकार पर सारा हॉस्टल में रहने का इरादा छोड़ देगी। सारा का अपने घर से निकलकर रूमी के घर की तरफ जाने का सफर इसे जहीन के करीब कर देगा, क्योंकि सारा को पता चल गया है कि शाजमा के पैदा करदा हालात का मुकाबला करने के लिए इसे किसी की मदद की ज़रूरत है, चाहे वो जहीन ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ घर में बेला और सारम अचानक आ गए हैं और बेला के शौहर सारम ने अपने मुल्क में सेटल होने का प्रोग्राम बना लिया है। सारम को बाहर रहते हुए भी बेला के बाप एहसन के बीवी के हाथों ट्रैप होने की खबर है, क्योंकि एहसन एक मशहूर बिजनेसमैन है और ऐसे लोगों की बातें मखसूस हलकों को पता होती हैं। इन लोगों का आ जाना भी सारा के लिए एक खुदाई मदद के बराबर है। अलबत्ता शाजमा और वहाज डीट लोग हैं, इनकी साजिशें भी जारी रहेंगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।